हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का। और आज हमारा टाइप 6 होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन हम उसको ट्रिकली प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल लगेगा। क्वेश्चन है कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1। बड़ा ही सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा है? 2a बराबर 3b, नहीं सिंपल तो नहीं, कठिन लग रहा है कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो abc फाइंड आउट करना है। बड़ा ही ऐसा बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका टाइप 6 हो गया। अगर आपका माइंड काम कर रहा है तो मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ आपके लिए, आप सॉल्व कर सकते हो। 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? पहले कहेंगे 2a बराबर 3b। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो संख्याएं हो, ठीक है, जैसे हमने लिखा 45, मानकर चलो 45 हमने लिखा, तो 45 के पहले जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, सबको पता है। 45 के पहले जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, सबको पता है। और 45 के बाद जो साइन होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो अगली संख्या डिपेंड करेगी। 45 के सामने आगे जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, वो सबको पता है, क्योंकि हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट। लेकिन 45 के बाद जो साइन होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये अगली संख्या तय करेगी, राइट? लेकिन एक सवाल कि 45 जो है, तो जो 4 और 5 इसके बीच में कौन सा साइन है? इसके बीच में जो साइन होता है ना, वो इंटू का साइन होता है, क्योंकि इकाई का एक, दहाई का 10, 4 है, तो 4 दहाई के 40 और प्लस 5 45, ठीक है? तो याद रखिए, अगर मानकर चलिए कि आप कहीं पर लिखते हैं एक्स बाई, ठीक है, तो एक्स बाई को आप कह सकते हैं एक्स गुणे बाई, यानी बीच में जो साइन होता है वो गुना का साइन होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 2a बराबर कह सकते हैं 2 इंटू ए, और 3b बराबर कह सकते हैं 3 इंटू बी। तो a और b को एक तरफ कर दीजिए ना, तो गुणा में ये भाग में कर दीजिए, a बटे बी बराबर 3, ये गुणा में उधर भाग कर दीजिए, यानी a रेशियो b बराबर 3:2, ए बी हमें निकल गया। चलिए यहाँ पर देखिए 4b बराबर 5c, ठीक है? तो आपको भी पता है कि 4b यानी 4 गुने b, एक स्टेप करते हैं थोड़ा, 5 गुने c, तो कहेंगे b बटे c बराबर 5/4, यानी b रेशियो c बराबर 5:4। तो हमें ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया, ए बी सी वो आपका काम है, ए बी सी आपका काम है। कहेंगे ए रेशियो बी बराबर 3:2 एंड बी रेशियो सी बराबर 5:4। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। 5 3 15, 5 2 10, 4 2 8, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 5 3 15, 5 2 10 और 4 2 8। अब ये मत पूछ देना कि सर आपने इस तरह से क्यों निकाला, ए निकालना हो तो इसको गुना, बी निकालना हो तो इसको गुना, सी निकालना हो तो इसको गुना। ये चीज़ हम लोग टाइप 1 और बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ चुके थे, इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय देंगे नहीं। देन करेक्ट आंसर इज़ इक्वल टू 15:10:8। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जिसको दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कभी भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस और हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रख दूं कि 4a बराबर 5b तथा 2b बराबर 3c, 2b बराबर 3c, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर व्हाट, ठीक है? 4a बराबर 5b तथा 2b बराबर 3c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू व्हाट। कहेंगे बच्चों कि 4a यानी 4 इंटू ए और 5b यानी 5 इंटू बी। सर b को आप इधर ले आइए, ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, और 4 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, यानी a बटे बी बराबर, सर हम कह सकते हैं कि 5/4 होगा, यानी a रेशियो b बराबर हमारा 5:4 होगा। बीच में लाइन बना दीजिए, 2b यानी 2 इंटू बी, यानी 3c यानी 3 इंटू सी, सी को इधर कर दीजिए सर, तो b बटे c बराबर 3/2 होगा, यानी b रेशियो c बराबर 3:2 होगा। नाउ a b पता है, b c पता है, आपको भी ए बी सी निकालना आता है नहीं? तो कहेंगे ए रेशियो बी बराबर सर 5:4 हमने लिखा है, और बी रेशियो सी बराबर सर हमने 3:2 लिखा है, तो आप भी निकाल सकते हैं कि ए बी सी क्या होगा, ठीक है? ए निकालना हो तो इन दोनों को गुना किया जाता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है, 4 3 12, और सी निकालना हो तो 4 2 8, अगर कटेगा तो ठीक है, वरना ए बी सी ये बिल्कुल सही है आपका। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये हमारा टाइप 6 चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है? ये हमारा टाइप 6 चल रहा है, बहुत ही उम्दा सवाल है ये आपको
रेलवे के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेगा। एसएससी में थोड़ा कम मिलता है क्योंकि वहाँ पे एडवांस की जो वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और रेलवे में अरिथमेटिक जो है वो आपको बिल्कुल धड़ल्ले से पूछेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही उम्दा सवाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम रखते हैं कि सर अगर इस तरह का सवाल दे दें कि 2a बराबर 0.5b, देखिए 2a बराबर 0.5b एंड 3b बराबर 9y4c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे तो आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से कहेंगे, कहेंगे 2a बराबर 0.5b, और आपको ही पता है 2a यानी 2 इंटू ए, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होता है, यानी 1/2 लिख सकते हैं इसको, यानी 2a बराबर यानी 2 इंटू ए बराबर 1/2b, और हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये बी गुना में है, कोई भी संख्या के बीच गुना में, इसको क्या कर देंगे भाग में लिख देंगे, यानी a बटे b बराबर 1/2, और ये दो गुना में है इधर आ जाएगा भाग में, यानी a बटे b बराबर 1/4 कहेंगे, यानी 1:4 कहेंगे। अब यहाँ देखिए, ठीक है, 3b बराबर 9/4c, तो c को हम इधर करेंगे तो b बटे c बराबर 9/4, ये गुना में 3 है, ये गुना में 3 है, उधर भाग में 3 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे कहिए नीचे हो जाएगा, तो 3 × 9 यानी b बटे c बराबर 3/4 हो जाएगा, यानी b रेशियो c बराबर 3:4 हो जाएगा। नाउ ए बी हमें पता है, बी सी हमें पता है, ए बी सी तो आपको भी बन जाएगा, नहीं ए बी सी तो आपसे भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी जो हमारा काम है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम बिल्कुल निभाएंगे। ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू 3/4, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, कहेंगे स्टूडेंट ए निकालना हो तो 3 × 1 = 3 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, और 4 × 16 ए बी सी, इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कटेगा तो बिल्कुल नहीं, तो हम ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ए बी और बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और सवाल, पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, इससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, और बिल्कुल फीडबैक तो बिल्कुल बनता है आपका कि जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंटेंट में आप कितना सेटिस्फाइड हो रहे हो, इस चीज़ का फीडबैक हम ज़रूर अपने स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स है, इस सबसे बढ़िया आसान तरीका है फीडबैक देने का, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता दीजिए, आप अपनी सोच बता दीजिए, हमारी कंटेंट, हमारे जो वीडियो हैं, हमारे जो लेक्चर हैं, वो आपको कितना जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसको नोट करिएगा, हम लोग टाइप 7 में एंट्री कर जाएंगे तुरंत, टाइप 6 को नोट करिएगा, हम लोग टाइप 7 में एंट्री कर जाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक पेन और एक पेपर जब भी बैठिए क्लासेस के लिए तो एक पेन और एक पेपर, जैसे आप लोग कोचिंग संस्थान में जाते हो या ट्यूशन करने जाते हो तो पेन और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए। चलिए इसे हम मिटाते हैं, टाइप 7 में एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 7 जो है ना वो टाइप 6 से बिल्कुल रिलेटेड है, संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल चेंज रहेगा, थोड़ा सा उसका कंटेंट चेंज रहेगा, थोड़ा सा उसका तरीका चेंज रहेगा, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं टाइप 7। ठीक है, और देखिए टाइप 7 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमने ए बी और बी सी दिया होता है, यहाँ डायरेक्टली ए बी सी रहेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। ये देखिए बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है कि अब क्या करें, अब तो ab और bc बराबर नहीं है, डायरेक्ट तीनों को एक साथ बराबर कर दिया, मतलब ना ab बराबर है ना bc बराबर है, डायरेक्ट abc बराबर है, तब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि हमने जो ये क्वेश्चन लिखा है ये लिख दिया 2a बराबर 3b बराबर 5c। देखिए ये आपका टाइप 7 आ गया, अगर इस तरह की समस्या आपको उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और आपको कुछ समझ में ना आए कि हम रेशियो में क्या बनाएं, तो याद रखिएगा कि जब 3 संख्याएं अगर आपस में बराबर हों, तो वैसी स्थिति में लिख लो अपनी कॉपी में नोट करके कि जब 3 संख्याएं आपस में बराबर हो तो वैसी स्थिति में पहले पहली दूसरी संख्या को बराबर करेंगे, फिर दूसरी और तीसरी को बराबर करेंगे। देखिए कैसे, यानी पहली दूसरी को बराबर कर दीजिए, फिर दूसरी और तीसरी को बराबर कर दीजिए, आपका ये सवाल बन जाएगा। अब कैसे बनेगा देखिए, हम बना के दिखाते हैं। यानी पहले आप लिख दीजिए 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, और आपको ही पता है कि बीच में
दो संख्याओं के बीच में गुणा का साइन रहता है, तो बी को इधर लाएंगे तो ए बटे बी हो जाएगा, और ये तीन है गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यानी ए रेशियो बी बराबर 3:2। ये हमारा ए निकल गया, ठीक है, ये हमारा ए निकल गया। अब देखिए ए बी की वैल्यू, सॉरी ए रेशियो बी निकल गया। अब इन दोनों को बराबर करते हैं, लिखेंगे 3b बराबर 5c, ठीक है, यानी बीच में गुना का साइन, तो ये गुना इधर आ जाएगा भाग में, b बटे c बराबर 5/3, यानी b रेशियो c बराबर 5:3। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे, कहेंगे कि a रेशियो b बराबर 3:2 एंड b रेशियो c बराबर 5:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। बड़ा आसान है, कहेंगे सर 5 3 15 ए की वैल्यू, 5 2 10 बी की वैल्यू, और 3 2 6 सी की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को गुना करने से ए निकलेगा, इन दोनों को गुना करने से बी निकलेगा, और इन दोनों को गुना करने से सी निकलेगा। अगर दिक्कतें आ रही है तो इसका अर्थ है कि आपने हमारी वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखा है। टोटल वीडियो देखिए, एक भी दिक्कत आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, ठीक है। चलिए एक सवाल और यहां से हम उठाते हैं, कंटेंट एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल हम उठाते हैं कि यदि 2a बराबर 5b बराबर 4c, ठीक है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू व्हाट। 2a बराबर 5b बराबर 4c और हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले a b को बराबर करेंगे और फिर b c को बराबर करेंगे। तो करना क्या है, लिखेंगे 2a बराबर 5b, b को इधर करेंगे, 2 को उधर करेंगे, यानी a बटे b बराबर 5/2, यानी 5:2, 5:2। अब कहेंगे 5b बराबर 4c, तो c को इधर करेंगे, यानी b बटे c बराबर 4/5, यानी b रेशियो c बराबर 4:5। अब देखिए सिंपल है, हमें ab पता है, a रेशियो b पता है 5:2, और b रेशियो c पता है 4:5, हमें तो चाहिए abc, ठीक है। तो कहेंगे 5 × 20, 4 × 2 = 8, और 5 × 2 = 10। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर निकलने के बाद कट रहा है आपस में, काट देंगे 10 बार में 4 बार में और ये 5 बार में, 2 से हमने काटा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, और अगला जो टाइप है वो हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक शेयर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको लाइक और शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर में कमी नहीं होगी। आप हमारी वीडियोज़ को हजारों हजार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वो तभी करिएगा जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मेरे बोलने से आप नहीं करिएगा, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आपको ये कैसा लग रहा है, किस तरह से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बाय बाय। क्यों बोलो सर, नींद ना लो।